बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात ट्यूब के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आजकल हर किसी को कमर दर्द की, थकावट की और जिस्म में कमजोरी महसूस होने की शिकायत होती है। इसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें एक बड़ी वजह हमारे जिस्म में खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह हमारी गैर सेहतमंद खुराक है। नाजीन, अगर देखा जाए तो आज के दौर में खालिस गिजाओं का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है, बल्कि खालिस गिजाएं नापैद होती जा रही हैं और इसकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और ये चीजें हमारे जिस्म को दरकार ताकत नहीं पहुँचाती। आज की वीडियो में हम अपने नाजीन के लिए एक ऐसा नुस्खा लाए हैं जो कि आपके जिस्म से खून की कमी को चंद ही हफ्तों में दूर कर देगा और आपके जिस्म के हर किस्म के दर्द खत्म हो जाएंगे। आपको जो थकावट का एहसास होता है वो दूर हो जाएगा। ये नुस्खा बहुत ही कीमती नुस्खा है, इसको लाजमी आजमाएं और इसको किसी सूरत मिस मत कीजिएगा। ये नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे दरखास्त है कि हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, ये नुस्खा बहुत ही कमाल नुस्खा है, जिसमें तमाम अज्जा कुदरती हैं और तमाम अज्जा अपने अंदर बड़े फवायद रखते हैं। इसलिए चाहिए कि बजाय एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करने के और ताकत के लिए गोलियां और कैप्सूल खाने के, ऐसे नुस्खों को इस्तेमाल करें जिनमें कुदरती अज्जा का इस्तेमाल हुआ हो। याद रहे कि कुदरती अशिया के बेशुमार फवायद हैं और मजे की बात यह कि इन चीजों के नुकसान भी कोई नहीं होते। ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है जिससे जिस्म में खून बनता है, जिस्म को तवानाई मिलती है और जिससे इंसान तंदुरुस्त तो तवाना रहता है और इंसान 60-70 साल की उम्र में भी जवानों जैसी तवानाई महसूस करता है और जवान दिखाई देता है। नाजिन, चलते हैं आज के इस नुस्खे की जानिब और आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं इस नुस्खे को तैयार करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो इस नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लीजिए। इसके लिए आपको 6 से 7 दाने बादाम के चाहिए। याद रहे कि बादाम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बादाम का छिलका खुश्क नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो है खुश्क नारियल, ये भी आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और नारियल के आपने छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। इन छोटे टुकड़ों की 2 चम्मच आपको चाहिए होगी। इस तरह से आपने तीसरी चीज जो लेनी है वो है मखाने, जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिसके बेशुमार फवायद हैं और इसका इस्तेमाल छोटे बड़े सब कर सकते हैं। आपने 3 चम्मच मखाने लेने हैं। मखाने आपको पंसार की किसी भी दुकान से मिल जाएंगे। चौथी चीज खशखाश है, जो कि नींद न आने में बहुत मुफीद है। इसके और भी बहुत से फवायद हैं। आपने 2 चम्मच खशखाश लेनी होगी। और पांचवी और आखिरी चीज जो आपको इस नुस्खे के लिए चाहिए वो है अखरोट। अखरोट के भी बहुत से फवायद हैं। आपने 2 अदद अखरोट तोड़कर उनकी गिरी निकाल लेनी है और इसको अपने नुस्खे में शामिल कर लेना है। नाजिन, ये 5 चीजें आपने बतलाई गई मकदार में लेनी है और एक बर्तन में डालकर मिक्स कर लेनी है। फिर इन सब चीजों को आपने ग्राइंडर की मदद से पीस लेना है और यूं आपके पास एक पाउडर की शक्ल में सफूफ तैयार हो जाएगा। याद रहे कि सफूफ में बादाम और अखरोट की वजह से चिकनाई या नमी भी होगी। सफूफ तो आपके पास तैयार हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसका तरीका इस्तेमाल मुलाहजा फरमा लीजिए। इसका तरीका यह है कि आपने 1 गिलास दूध लेना है और इसको किसी पतीली में डाल लेना है और फिर इस दूध को चूल्हे पर रख देना है। जब दूध गर्म हो जाए और उबलने के करीब हो तो उसमें 2 चम्मच तैयार किया गया सफूफ डाल देना है और इस दूध को 2-3 मजीद उबाल आने दें और फिर चूल्हे से उतार दें और इसको नीम गर्म करके नोश कर लें। इस तरह से तैयार करदा इस नुस्खे को अगर आप चंद दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके फवायद आप खुद महसूस करेंगे और आपके बदन से न सिर्फ दर्द वगैरह गायब हो जाएंगे, बल्कि आपके बदन में एक अजीब सी ताकत पैदा हो जाएगी। आपकी थकन वगैरह दूर हो जाएगी और जैसा कि पहले भी बताया गया है, ये नुस्खा खून की कमी को दूर करता है और बदन में खून पैदा करता है। इसलिए वो खवातीन हजरात जिनको खून की कमी का सामना है तो वो इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। एक बात याद रखें, अगर बताए गए अज्जा में से कोई चीज आपके मिजाज के साथ मुवाफकत नहीं रखती
और आपको किसी एक चीज से नुकसान का शायबा है तो इस चीज को अपने नुस्खे में शामिल ना करें। मिसाल के तौर पर बाज लोगों को अखरोट से एलर्जी हो जाती है या उनका मैदा अखरोट को हजम नहीं करता, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने नुस्खे में अखरोट शामिल ना करें। एक निहायत आसान और मौसर घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाएं, बल्कि इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। आपको ऐसा लगेगा जैसे जिस्म में नई जान आ गई हो। ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है कि जिस जिस को बताया है वो भी तारीफ करते नहीं थकता। आप भी जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें अपने तजुर्बात से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अलबत्ता इस प्यारे नुस्खे को सदका जारिया की नियत से शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस नुस्खे से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, याद रहे कि कुदरत ने इंसान को सेहतमंद रखने के लिए जितनी मंसूबा बंदी की है उतनी शायद पूरी कायनात को बनाने के लिए भी ना की हो। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे निजाम मौजूद हैं कि जब हम उन पर गौर करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए इस दुनिया में जितनी कुदरती गिजाएं पैदा फरमाई हैं और इनमें जो फवायद रखे हैं उनका अहाता भी इंसान नहीं कर सकता। ये नुस्खा भी ऐसी ही कुदरती गिजाओं का नुस्खा है जिसमें शामिल हर चीज इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, इसलिए इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मालूमात ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। मोहतरम सामीन, हम ये वाकयात और मालूमात आप तक पहुंचाने में बहुत ही एहतियात से काम लेते हैं। इसके तस्दीक शुदा होने पर पूरी तवज्जो दी जाती है। अगर किसी जगह आपको शरीयत या हकीकत के खिलाफ महसूस हो तो फौरन हमें कमेंट्स के जरिए आगाह करें। अगर हमारे काम में कुछ अच्छा लगे तो तब भी आप हमें जरूर आगाह करें, हमें कमेंट्स करें ताकि हमारी टीम की दादरसी हो। नाजरीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा आमीन नासिर हो। आमीन।